वेलकम टू दिस वीडियो एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इस वीडियो में आए और जिस इन्फॉर्मेशन को आप पाने जा रहे हो वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस बताने वाली हूँ आपको त्रिमंदिर के बारे में, जो वडोदरा से 17 किलोमीटर दूर है। और ये जो त्रिमंदिर है, ये जो टेम्पल है, ये 6880 स्क्वायर फीट से सराउंडेड है। ओके, और त्रिमंदिर की स्पेशलिटी ये है कि ये जो टेम्पल है ये सूरत नेशनल हाईवे 8 के वहाँ पे स्थित है, बाबरिया कॉलेज के जस्ट नेक्स्ट टू है। तो ये इसलिए भी अच्छा है कि अगर आपको नेचुरल स्पॉट में जाना है, आपको फील करना है, टेम्पल का जो फील होता है वो हमेशा नेचुरल फील होता है। और जितना ट्रीज सराउंडेड रहते हैं आसपास, जो जैसे ग्रीनरी रहती है, उससे ज़्यादा हमें वो टेम्पल का वाइब आता है। तो त्रिमंदिर का ये स्पेशलिटी है। और ये स्पेशलिटी ये है कि त्रिमंदिर में जो रिलीजन्स हैं उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रिलीजन नहीं है। ये अच्छी बात है कि त्रिमंदिर में वैष्णविज्म, हिंदुज़म एंड जैनिज्म, ये तीनों के आइडल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जो भी रिलीजन के लोग हैं वो वहाँ पे एक जगह पे जाकर, जो भी उनका फेथ है, जो भी गॉड एंड गॉडेसेस पे है, वहाँ पे जाके उनको वो शांति, वो पीस मिल सकता है। अच्छी बात ये भी है टेंपल की कि इतना ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया है, हैंड कार्विंग का टेंपल है। पूरा का पूरा जो टेंपल है ये मार्बल से बना है। और जो मेन अट्रैक्शन है वो है सिमंदर भगवान जी, जिनको तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो मूर्ति है ये 156 इंच हाई है। तो ये इसकी खासियत ये भी है, और ये भी मार्बल से बनी है, जैसे मैंने बताया। पूरा टेंपल, सारी मूर्तियाँ तीर्थंकर जी की खुद की जो स्टैचू है, जो उनकी जो कार्विंग करके जो उन्होंने मूर्ति बनाई है, वो खुद उस मूर्ति को हम वहाँ पे जाके छू सकते हैं। वी कैन टच इट, वी कैन फील इट। और वहाँ पे जाके इवन ये भी अलाउड है कि वहाँ पे जाके आप उसको छुओ, मेडिटेशन के लिए बैठ भी सकते हो अंदर भी। और वो इतना ब्यूटीफुल सा फीलिंग देता है, ब्लेसिंग सा फीलिंग देता है उस मोमेंट में। हमने जब हम गए थे पिछली बार, तो जब मैंने वहाँ पूछा क्या अब हम मंदिर जा सकते हैं, बोलते आप मंदिर भी जा सकते हो, आप उन्हें छू भी सकते हो और वो वाइब्रेशंस आप अपने पास ला भी सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि ये हमें पता नहीं था, और हमें पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने बोला कि आप मूर्ति को छू सकते हो। तो ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। और ये जो दादा भगवान जी हैं, उनकी वजह से ये टेम्पल को इस तरह से बनाया गया है, उनकी ओपननेस की वजह से। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऐसा कुछ भी, कोई भेदभाव नहीं होता वहाँ पे, इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। और अगर दादा भगवान जी के बारे में बोलूँ तो उस टेंपल को बनाने की जो शुरुआत थी वो उनकी ही थी। जितने भी त्रिमंदिर हैं उनका जो बेसिक जो शुरुआत की है, जो बेस है, वो दादा भगवान जी हैं। तो उनके बारे में अगर और आपको जानना है, उन्होंने सोसाइटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए हैं, कितनों की मदद की है। अच्छी बात है कि वो वडोदरा से ही थे, तरसाली एरिया से ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सोसाइटी को दी है, और वही उनकी वजह से आज वो त्रिमंदिर खड़ा है। तो बहुत ही बड़ी देन है उनकी। एक और बात है कि पूरे के पूरे त्रिमंदिर में उनके डिफरेंट डिफरेंट थाट्स पे आपको दिखाई देंगे कि ये थाट पे उन्होंने कुछ बोला है, वो थाट पे कुछ बोला है। तो वो बैरियर्स को भी तोड़ते हैं। जैसे कि आप कोई पर्सपेक्टिव से जी रहे हो और वो गलत है, तो वो आपको सही डायरेक्शन, आपको उन थॉट्स में आपको फील होगा। और वो जो जिस तरीके से वो बात कहते हैं वो सीधा दिल पे लगती है, और वो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है। तो दादा भगवान जी की तो बात ही अलग है कि अगर उनको आपने फॉलो किया या उनके चलाए हुए रास्ते पर आप चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक सही दिशा में जा रहे हो। और बात अगर आपको उनके बारे में जाननी है, तो वहाँ बुक्स अवेलेबल हैं, डिस्कोर्सेस, DVDs, सीडीज़, इवन आप उनके वहाँ पे जाके लोगों से बात भी कर सकते हो लाइब्रेरी में जाकर, तो उनके पास भी काफ़ी नॉलेज होता है। इवन इफ़ यू आर नॉट इंडियन, तो आप यू कैन हैव द डिफरेंट लैंग्वेजेस डिस्कोर्सेज, लाइक इन जर्मनी, इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो एंड इंडोनेशिया ऑल्सो, देर मेनी लैंग्वेजेस दे आर विद हैविंग द ट्रांसलेशंस। एंड मोर अबाउट अ टेम्पल, ये है कि वहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी भी मिलती है, प्योर वेज खाना बनता है, डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी मिलती है जिसमें 41 लोगों की अकोमोडेशन है। फेस्टिवल्स की बात की जाए तो वो फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती एंड दिस व्हाट वी कॉल नवरात्रि को भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनके भक्ति प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 5:30 to 7 इवनिंग में होते हैं, जो संडेज को होते हैं।
तो अगर आपको ये अटेंड करना है आप कर सकते हो। मॉर्निंग में भी उनका प्रोग्राम होता है, अभिषेक का जो प्रोग्राम होता है शुरुआत करते हैं, तो वो भी आपको उसका मौका दे सकते हैं। अगर मॉर्निंग में शुरुआत करते हैं तो 6 to 8 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप उनके पार्टिसिपेशन का हिस्सा बन सकते हैं और उस टेम्पल में आप एक अच्छी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। वैसे मॉर्निंग का तो मैंने अभी तक अटेंड किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगर करूँगी तो आई विल गेट अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फ्रॉम दादा साहेब एंड दादा भगवान एंड तीर्थंकर जी। और आज हम जा रहे हैं वहीं पे, सो लेट्स सी जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपको दिखाऊँगी भी, तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए, बाय। अभी मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर जाने के लिए, तो अभी मैं हाईवे में हूँ इस वक्त और नियर बाई तरसाली, नियर बाई वडोदरा। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी और श्री मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। सकते हो कि श्री मंदिर कहाँ है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टेम्पल जो मैंने आपको वीडियोज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी से हम प्रैक्टिकल एक्सप्लोर। इसकी खूबसूरती है इसके मार्बल में, ये पूरा टेम्पल जो है ये मार्बल से बना है। आप सेंटर में देख सकते हो जो तीर्थंकर जी हैं उनका स्टैचू सेंटर में आपको दिखाई देगा। मौसम भी बहुत सुहावना है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, बारिश का टाइम मुझे लगता है शाम तक बारिश आने वाली है, लेकिन हमने इसे दिन में इसलिए एक्सप्लोर किया क्योंकि लाइटिंग अच्छी आ रही है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं।
आई मस्ट से त्रि मंदिर आना और यहाँ के लश ग्रीन गार्डन को देखना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी है, दूर दूर तक ग्रीनरी है, इसके पीछे खेत भी है। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग कूल ब्रीज राइट नाउ। कुछ देर पहले काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट था लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवा आने लगी है। आप देख सकते हो सामने कैफेटेरिया है जहाँ पे आपको फूड मिल सकता है। एंड यहाँ पे उनका डॉर्मेट्री है। दिस इज़ अ टेम्पल जहाँ पे मैं अभी स्थित हूँ, खड़ी हूँ। ये आप टेम्पल का हाफ एन एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे दो गॉडेसेस हैं, पद्मावती देवी जी, इनके दर्शन मैंने अभी अभी किए हैं। और पद्मलाभ भगवान जी, इनके भी दर्शन मैंने अभी अभी किए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है। और मंदिर आके ना एक सुकून एक शांति से महसूस हो रही है। सो ग्रेटफुल, सो सो हैप्पी। इवन मेरे पापा भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स। अभी हम दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर अंदर परमिशन मिलती है तो मैं अंदर का वीडियो बनाती हूँ, डिपेंड करता है कैसा है, लेकिन जितना हो सकेगा एक्सप्लोर कर सकते हैं तो करके दिखाऊंगी। चलते हैं। ये है हमारे दादा भगवान जी। प्रेम थी रहशो, प्रॉमिस। दादा भगवान से ब्लेसिंग्स लेके हम आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अमेजिंग रहा। त्रि मंदिर का हर बार अमेजिंग होता है और इस बार भी अमेजिंग है। और इस जर्नी को मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया है। आई होप कि आप जल्दी आएँ, इधर विज़िट करें और त्रि मंदिर से वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी जी का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपको फील होगा वो एक ब्लेसिंग की तरह होगा। सो इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को और ऐसे ही ब्लेसिंग्स लेते रहिए। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर होम।
थ्री मंदिर का दर्शन भी कर लिया, यहाँ पे कैफेटेरिया में जूस भी पी लिया, चाय भी पी ली, मैंने जूस पिया, पापा ने चाय पिया, और यहाँ का इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, आई एम श्योर शाम को बारिश आने वाली है, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का प्लेइंग एरिया है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कैसा रहा पापा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। गर्मी के साथ? फिर भी वो लोहे को लोहा कहते हैं, चाय पी ली है तो। मैंने बोला चाय पीने वाली एनर्जी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी बाबा ने चाय पी है, मैंने तो फ्रूटी पी है थोड़ी ठंडक। और अभी हम निकल पड़े हैं घर की ओर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो भी था कमाल का रहा, आई होप आपने भी इंजॉय किया हो। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन प्यारापन, आपका जीवन प्यारेपन के साथ हमेशा बहते रहे। ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाबा।